हेलो फ्रेंड्स, यूनिट कन्वर्जन वेट पार्ट टू हमारा सेकंड टॉपिक। वेट पर हमने पिछले टॉपिक में केवल इसकी बेसिक यूनिट्स और इसकी डेफिनेशन पे बात की। अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में आपको पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चन शीट्स में भेजूंगा, उसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। जो पीडीएफ शीट भेजूंगा क्वेश्चंस के लिए वो हल करनी ही है, उसके अलावा और भी अपने मन से क्वेश्चंस लेके उन्हें आपको सॉल्व करना, आपके पास बुक्स अवेलेबल हो पिछले साल की या कोई भी दूसरे आसपास स्टूडेंट से लेकर के ले लीजिए, आपके पेरेंट्स से बोलिए वो कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरे पास कन्वर्ट इंटू किलोग्राम, किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, किसको बदलना है ये तो बताइए। यहाँ नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, ग्राम, जीएम ग्राम, कोई संख्या ग्राम में दिए, इसको आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, किलोग्राम में, ग्राम की संख्या को किलोग्राम की संख्या में बदलना। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, छोटा कौन और बड़ा कौन, ग्राम छोटी यूनिट है या किलोग्राम छोटी यूनिट है? यस, ग्राम छोटी यूनिट है और किलोग्राम बड़ी यूनिट है। जब मुझे किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है तो क्या करते हैं, गुणा या भाग। हाँ, बिल्कुल सही, हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो क्या करना होगा, भाग का। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये याद रखने की जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये सवाल में आपको कभी नहीं बताई जाएगी, आपको खुद से याद रखने की इंफॉर्मेशन रहेगी। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब 7803 ग्राम्स को मुझे किलोग्राम से बदलना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से डिवाइड करके देखते हैं, 7803 डिवाइडेड बाय 1000 कितने टाइम्स में लग सकता है, 7 टाइम्स में 1000 7000 3 का 3 0 का 0 8 का 8 7 का कुछ नहीं। अब ऊपर से कोई और अंक उतारने के लिए है, नहीं है तो यहां लगाइए दशमलव, डेसिमल, डेसिमल के बाद आप जितने चाहे उतने 0 रख सकते हैं, यहां पर 0 रखा, 1000 8 जा 8000 बचा 0 3 0 8 कैंसर, ये 0 भी कैंसर लिख सकते हो आप, डेसिमल लग चुका है इसलिए हम यहाँ पर 1 0 फिर उतार देंगे। अब कितना है यहाँ पर, 3 0 0 1000 से डिवाइड लगेगा क्या, ये 1000 300 छोटा है, नो डिवाइडेशन का, 0 भाग में लगेगी 0, अब यहाँ पर 1 0 और बढ़ा सकते हैं, अब 1000 3 जा 3000 संख्या पूरी कट जाएगी अब आपके पास, सो यू हैव आंसर 7.80। क्या आंसर आया आपके पास, 7.803, ठीक है, डिवाइड क्लियर है आपके पास। आप चाहे तो डेसिमल का डिवाइड ना करते, आप डेसिमल कहां से शुरू हुआ, 7 के बाद, मतलब यहां पर आप डिवाइड नहीं करते, डेसिमल नहीं लेते, तब आप यहां पर इस शॉर्ट डिवाइडेशन पे भी आंसर लिख सकते थे, जो पूरा डिवाइड हो गया 7 और जो रिमाइंडर बच गया उसको लिख दीजिए डेसिमल के बाद, डेसिमल 803। आप बड़ा करना चाहें बड़ा डिवाइड करें, छोटा करना चाहें छोटे में भी कर सकते हैं। 7.803 जो आपका आंसर आया है, ये आया है आपका किलोग्राम में, ये ग्राम था, ये बदल गया आपका किलोग्राम में। आप इसको 7.803 या ऐसा भी लिख सकते हैं 7 kg and 803 grams, 7 kg 803 ग्राम, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9500 ग्राम, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं ताकि नीचे मेरे को और जगह मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 9500 ग्राम, इसको भी हमें काय में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। बेसिक इंफॉर्मेशन, 1 kg = 1000 ग्राम,
ये आपको याद होना चाहिए, इसको लिखना है आपको हर बार। मैं अभी बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, जगह मैं बचाना चाह रहा हूँ कुछ और प्रैक्टिस कराने के लिए। क्या करेंगे आप, 9005 को सॉल्व करें, 9005 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 1000 से। चलिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्होंने तो तुरंत जवाब दे भी दिया है ना, क्या आया आंसर, 9.005। जिनको नहीं आता वो क्या करें, 9005 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 9 जा 9000, रिमेनिंग 5 कैंसल कैंसल कैंसल। क्या आया आपके पास में, 9.5, इज इट राइट, क्या ये सही है, नहीं ये गलत लिखा है, 9.5 नहीं है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, अब इस 5 को डिवाइड करने जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या 1000 के पहाड़े में 5 तो आना नहीं है, डेसिमल लग गया थे, 10 तो मैं ले सकता हूँ। क्या 1000 के पहाड़े में 50 आएगा, नहीं आएगा, भागने लगेगी, वहां 1 दिया तब मैं यहाँ पर 10 बढ़ा सकता हूँ, क्यों हुआ 500। क्या 1000 के टेबल में 500 आएगा, अब भी नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पर एक बार फिर से नो डिवाइडेशन का 0 रखना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर 10 बढ़ा सकता हूँ। अब 1005 का 5000, अब कट सकता है ये पूरा, सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 9.005। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या आया ये, 9.005। अगर हम डिवाइडेशन डेसिमल डिवाइडेशन के मेथड्स को ध्यान दें तो भी 1 के पीछे कितने 0 है, 3 जीरोस, इस संख्या में डेसिमल कहनी है मतलब लास्ट में है, तो कितने स्थान सकेगा डेसिमल, 3 प्लेसेस, आगे की तरफ सरकाते हैं 1, 2, 3, 9 के बाद डेसिमल 9.005, यही आना चाहिए आंसर। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 9 kg कंप्लीट एंड 0.005। अब अगर ग्राम में लिखूंगा तो 0.005 ना लिखते हुए मैं इसको क्या लिखूंगा, ओनली 5 grams। ध्यान दीजिए ग्राम्स में 3 डिजिट होते हैं, अगर यहाँ 5 लिखा है तो इसका मतलब है 005, अगर यहाँ लिखा हो 32 ग्राम, 1 kg 32 ग्राम मतलब 1.032, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, अगर 2 ही लिखे हैं मतलब एक स्थान 0, अगर एक ही अंक लिखा है मतलब उसके पहले के 2 स्थान 0 होंगे, यहाँ 0 आखिरी पे नहीं जाएगा, 0 पहले आएगा। हाँ अगर ऐसा लिखा हो 2.1 kg, अब जो है 0 उसके बाद जाएंगे 2.100, इसको 100 लिख सकते हैं, क्लियर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, हम कुछ और क्वेश्चन एक आध ले लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। इसको हमें बदलना है किलोग्राम में, 500 ग्राम्स को किलोग्राम में बदलना है, वही 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो अब 500 ग्राम्स को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्या आ जाएगा हमारे पास, 500 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 के टेबल में तो कभी भी 500 आते ही नहीं, तो भागने लगी कि शून्य शुरू में लग गई, और कोई अंक है नहीं इसलिए डेसिमल लगा के 0, तो 1000 5000, क्या आया आंसर आपके पास, 0.5 kg, या हम इसे 0.500 kg या 0.500 kg या 1/2 kg भी लिख सकते हैं, हाफ के जी, हाफ किलोग्राम, आधा किलोग्राम, क्या हो गया ये, आधा, 1 kg का आधा, जस्ट हाफ, ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम। इसी तरह से
आप लोग मुझे 250 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 750 ग्राम्स एंड 1500 ग्राम्स, इनको भी होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। इनको आपको केजी के रूप में कन्वर्ट करके लिखना है। जो मैं शीट दूंगा उसमें ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया। नाउ इसका जस्ट अपोजिट, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, ग्राम्स में बदलना। इसको बदलना ग्राम्स में, किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलना। ये केजी में बदलने से थोड़ा सा सरल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें छोटी यूनिट में लाना है इसे बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट केजी को छोटी यूनिट ग्राम्स में लाना है। जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हो तो क्या करना होता है हमें? यस, मल्टीप्लाई, गुणा करना है हमारे को। बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां पर भी वही लिखेंगे, क्या 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में लिखी है ना, इसको फॉर्मूला बुक में लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, 13.456 केजी, इसको ग्राम्स में बदलने के लिए मल्टीप्लाई विद 1000, इसका 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा, कितने जीरो है आपके पास? 1, 2, 3, डेसिमल तीन स्थान से लग जाएगा, 1, 2, 3, क्या गया हमारे पास? 13 तो पहले से था, जस्ट को तीन स्थान खसका देते हैं, 4, 5, 6 ग्राम्स। हमने दशमलव के गुणा पहले ही सीखे हुए हैं, तीन जीरो है तो तीन स्थान खिसक जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई सब तक संख्या वैसे की वैसी आ जाएगी। यह हो गया 13,456 ग्राम्स। आप चाहे तो डिटेल गुणा करके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हमने 0.05 के, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम वही इंफॉर्मेशन, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे, आप लोगों को क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए। मैं बोर्ड को जगह बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम से एक बार लिख दिया। अब 0.05 इंटू 1000 क्या आएगा आंसर? कितने जीरो? 1, 2, 3, तो दशमलव कितने स्थान से करना है? 3 स्थान, 0, 0, 5, देखें दशमलव कहाँ था? इस स्थान पे, 1 स्थान 2 स्थान, 1 और 2 तो सरक गया, तीसरे स्थान के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पर? 0। अब दशमलव कहाँ चला जाएगा? इसके एंड में, कितने स्थान से क्या दशमलव पे? 1, 2, 1, 2 और तीसरा स्थान 0। 3 स्थान सबका के आखिरी में रख दिया दशमलव, इसका मतलब क्या हुआ? किसी संख्या के शुरू के 0, 0 कोई मतलब के नहीं होते, तो इसको दोनों को हम हटा देंगे। ये हो गया हमारे पास में 50 ग्राम्स। कितना है ये? 50 ग्राम्स। हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास है 250 0.250 या 1/4 kg, 1/4 kg लिखा। अब इसको हमारे को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास वही रूल, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1/4 kg को सॉल्व करते हैं हम, 1/4 मल्टीप्लाई विथ 1000, 1/4 मतलब 4 से कैंसिल कर दीजिए 1000 को, या 1000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमें आता है 1/4 इंटू 1000, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 10 से छोटा, 4 टू जा 8, बचा 2, 0, 20, 4, 5 जा 20, लास्ट में 0 बचा, नो डिवाइडेशन का 0, कितना आएगी हमारे पास में? 250। इस तरह से अगर बटे के रूप में भी दिया जाए तो भी उसको हमारे को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए वही रूल, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट, नाउ यू कैन लर्न इजीली हाउ वी कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम एंड हाउ वी कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। मैं आपको एडिशनल शीट दूंगा PDF में, जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।